दोस्तों सादर नमस्कार। एक बार फिर शंकर जोशी का सादर वंदन। आज जो हम पढ़ने वाले देखिए तो वर्ग संख्या है और वर्गमूल क्या है, और दूसरा है कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने आपको कहा था कि कुछ बेसिक चीजें बहुत थी जो मैथ्स के लिए आगे बहुत काम आती है। अब जैसे अभी तक भी ऐसे कई बड़ी कक्षाओं में भी लोग होते हैं जिन्हें कि वर्गमूल ज्ञात करने नहीं आता है। वर्गमूल दो तरीके से ज्ञात होता है, तो एक तरीके से ज्ञात करने आता है और दूसरा नहीं आता है, जो कि आने वाले समय में बेसिक गणित के लिए और कंपटीशन एग्जाम जितने भी देते हैं उसके लिए भी बहुत निहायत जरूरी होता है। पहली बात देखिए, मैंने एक तरफ लिखी हुई है वर्ग संख्या और एक तरफ लिखा हुआ है वर्गमूल। इन दोनों में फर्क समझ लीजिए, अर्थात कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं। इसे वर्ग का मतलब होता है डबल। कोई भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या या कोई भी संख्या जिसका उसी से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एक का एक से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, जैसे दो का दो से गुणा करने पर चार, तीन का तीन से गुणा करने पर नौ, चार का चार से गुणा करने पर सोलह, पांच का पांच से गुणा करने पर पच्चीस, दस का दस से गुणा करने पर सौ, जैसे कि यहाँ देखिए चौदह का चौदह से गुणा करने पर एक सौ छन्नो, पंद्रह का पंद्रह से गुणा करने पर दो सौ पच्चीस, बीस का बीस से गुणा करने पर चार सौ। तो ये सभी ये वर्ग संख्या है। अब ये वर्ग संख्या जैसे कि आपको ये पता है कि ये जैसे समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। इन वर्ग संख्याओं के एक्चुअल में देखा जाए तो वर्गमूल हमें कम से कम 30 तक तो सबको वर्गमूल भी याद रहने होने चाहिए। वर्गमूल क्या है, जैसे बाय द वे देखिए 64 है। अब 64 इसका वर्गमूल अर्थात कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर 64 प्राप्त हुआ, तो जो वो संख्या ज्ञात करेंगे वो संख्या जैसे 8 ऐसी संख्या है जिसका उसी से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 64, तो 64 हुई वर्ग संख्या और जो ये 8 हो गई वो क्या हो जाएगा उसे हम वर्गमूल कहते हैं। इसी प्रकार जैसे 225 से अर्थात कि 15 एक ऐसी संख्या है, 15 का यदि 15 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 225 प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है और 15 इसका क्या है वर्गमूल है। तो हमें ये कुछ संख्याओं के तो देखो बहुत ही नॉर्मल इसे गणित की कोई भी सवाल हल करे तो इसमें बहुत ही नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे बाय द वे 361 का वर्गमूल क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 19। मतलब ये 30 या 40 तक यदि आपको मैथ्स के सवाल बहुत जल्दी करने हैं, आपको सवालों में जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें यदि जल्दी करने हैं, तो आपको 40 तक की संख्या वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि 361 का वर्गमूल याद नहीं है तो 19 जैसे कि आपको याद दिए बाय द वे, तो 361 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसकी जगह बड़ी बड़ी संख्या भी आ सकती है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें। देखिए दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, इसे समझना थोड़ा। इसकी दो विधियां होती है, दोनों विधियों को आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा। एक विधि तो लगभग सभी बच्चों को आती है, छोटी क्लास में बड़ी क्लास में जिसको नहीं आती है वो यहां सीख सकता है। एक तो जो विधि होती है वो है अभाज्य गुणनखंड। कोई भी जो संख्या होती है वर्ग संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करके हम प्राप्त कर सकते हैं, पहली विधि तो ये। दूसरी जो विधि होती है वो भाग विधि, ये बहुत कम लोगों को आती है। अब इसमें होता क्या है देखिए, ये इसका दूसरा तरीका है। अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या है पूर्ण वर्ग होती है उसका तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल जाएगा, पर जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है जैसे कि बाय द वे पूछा जाए कि 3 का वर्गमूल क्या है, तो कोई भी संख्या नहीं जिसका उससे गुणा करने पर 3 आ जाए, पर 3 का वर्गमूल भी निकल सकता है जो पॉइंट में आता है, और पॉइंट वाला वर्गमूल आपको यदि निकालना है तो वो किससे निकलेगा, हमेशा भाग विधि से निकलेगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकालते वो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हम वो भी पढ़ेंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते इसे। अरे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे कोई दो संख्या ले लेते अपन, जैसे मैंने एक संख्या ले ली जैसे 216। अब 216 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। देखिए आप ये निकाल रहा हूं अपन, और अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने आपको पहले सिखा दिया था,
तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, और किस संख्या को देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि उस पर किसका भाग जाता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले दो का भाग दो, तो 216 में दो का भाग दिया तो 108 आ गया, फिर दो का भाग दो कितना आ गया 54। सॉरी ये मैं गणमूल पे आ गया शायद, ये चलिए ये एक्चुअल में 216 एक ऐसी संख्या है जिसका नहीं निकल सकता है जिसका, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए इसे थोड़ा समझ लीजिए इसे कि किस प्रकार से हम इसे करेंगे। हम यहाँ पर जैसे मैं 216 की जगह मैं ले लेता हूँ 256, कितना लिया मैंने 256, इसका हम निकालते हैं। 216 का हम भाग विधि से हम जरूर निकाल सकते हैं, पर इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करूं, दो का भाग दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, आठ दूनी 16, फिर इसमें क्या करेंगे हम दो का भाग और देंगे, तो इसमें दो का भाग दो 6 दूनी 12 64, फिर दो का भाग दो 32, फिर हम दो का भाग देंगे 16, फिर दो का भाग जाएगा 8, फिर दो का भाग देंगे 4 बार, फिर हम दो का भाग देंगे 2 बार, फिर हम दो का भाग देंगे 1 बार। अब ये जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसमें हम क्या करते हैं कि भाग विधि या इसमें इनके क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना देते हैं। इनके दो दो के क्या कर दिए, अभी देखो मैंने जोड़े बना दिए, ठीक है। इन जोड़ों में से एक दो निकाला, इस पर भी दो निकाला, इस पर भी दो निकाला और इस पर भी दो निकाला, पर इन सबका गुणा कर दिया, इससे दो 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 निकाल, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 16। अर्थात कि जो जोड़ों में से एक एक बाहर निकाले उनका गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। अर्थात कि इस 256 का, ये 256 कौन सी संख्या है, ये वर्ग संख्या है, ये है वर्ग संख्या। और जो 16 आई है ये इसका क्या है, वर्गमूल। क्या आ गया ये, वर्गमूल। वर्गमूल का सीधा सा मतलब ये है कि 16 का 16 से वापस गुणा करोगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 256 प्राप्त हो जाएगा, क्लियर ना। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं कि वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा है भाग विधि से, इसे समझ लीजिए थोड़ा। भाग विधि से वर्गमूल निकालना ये बहुत कम लोगों को आ पाता है, पर ये आने वाले समय के लिए आप नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं पर ये आपको आनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, आप देखिए यहां पर मैंने संख्या ले ली 3969। जैसे कोई संख्या है, ठीक है। अब इसे भाग विधि से निकालना है, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो आप, पर वो क्या प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ता है। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो संख्या हो, जिससे संख्या है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से आप ये लगा दीजिए और इधर से आप बढ़िए संख्याओं के दो दो के जोड़े बनाइए। जैसे यहां दो दो के जोड़े कौन से 69, और ये दो दो के जोड़े बन गए। कई बार जैसे कि संख्या ये तो चार संख्या ही थी इसमें, यदि बाय द वे इसमें एकांधी संख्या और होती तो उसका जोड़ा नहीं बनता, तो वो क्या करेंगे उसको मैं जो अगला बताऊंगा उस पर आपको बता दूंगा। तो पहला काम क्या किया कि आपने इधर से दो दो संख्याओं के जोड़े बना दिए। अब यहां पर हमें पूरी संख्या पे फोकस नहीं करना है, हमको देखना है 39, ध्यान दीजिए 39। तो आपको क्या करना है, कोई भी इस संख्या जिसका उससे गुणा करने पर या तो 39 आ जाए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं। जैसे बाय द वे मैं कहूँ कि जैसे कि मैं 7 का 7 से गुणा करूं तो 49 39 से ज्यादा इसलिए वो काम नहीं आएगा, उससे कम उतरो। जैसे 7 से छोटी संख्या होती है 6, 6 का 6 से गुणा करो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लिखो, ये 6 लिखा, कितना लिख दिया 6 और 6 का गुणा किया, चूंकि 6 संख्या हम ले रहे हैं जोड़े के रूप में लेंगे, जो संख्या ऊपर ले रहे वो नीचे, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, चूंकि 6 उतार इसलिए हमने यहाँ 6 उतार दिया, 6 का 6 से गुणा करो कितना आ गया 36। अब इसमें से घटाओ, 9 में से 6 घटाए कितना आ गया 3। अब यहां पर 3 आए तो ऊपर यह कितनी संख्या है, ऊपर से संख्या उतारेंगे पर एक संख्या नहीं उतरनी है, संख्या भी यहां जोड़ों के रूप में उतरेगी। जैसे 69 है तो ऊपर से हमने कितना उतार दिया 69। अब क्या करते हैं कि यहां जो 6 और 6 हमने लिखा था यहां वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, जैसे 6 और 6 कितना हो गया ये 12। अब इस 12 के बाद हमें ऐसी संख्या लगानी है और वो जो संख्या लगाओगे वो ही आपको नीचे रख के गुणा करना है,
पर वो गुणा इस 369 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ जैसे मैं चार लगा दू, यहाँ पर भी मैं चार लगा दू, तो संख्या इसकी संख्या जो गुणनफल आएगा वो 369 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तीन लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ नीचे भी कितना लगा दू, ये मैंने तीन लगा दिया। अब इसका गुणा करो, 3 3 9 6 3, अर्थात की शेष तो कुछ रहा है यहाँ पर नहीं, चूंकि पहले मैंने 6 6 लिखा था, इसलिए 6 यहाँ पर 3 लिखा तो ये कितना आ गया 63। ये शेषफल 0 आ जाए, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं रहे, इसका मतलब समझना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात कि इसका बिना पॉइंट में आपको सीधा वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो ये 63 है, ये क्या है, ये 63 क्या है, वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल, अर्थात कि आप यदि 63 का 63 से गुणा करोगे वापस क्या आ जाएगा, ये 3969 आ जाएगा, 3969 वापस आ जाएगा। तो ये है। अब एक इसका एग्जांपल और देख लीजिए, अब कभी क्या क्या होता है कि ऐसी जीरो वाली संख्या आ जाती है, जैसे देखिए 10609 ये संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब इसमें जीरो आने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही तरीका इधर से आप दो दो के जोड़े बनाओ, जैसे ये दो के जोड़े ये बनाएं, इधर से दो के जोड़े बनाएं, तो इधर एक संख्या छूट गई तो कोई बात नहीं, एक अकेला रह गया चलेगा, पर संख्या जोड़ों के रूप में बनानी है। अब यहाँ पर आपके सामने संख्या कितनी से एक है, तो कोई भी ऐसी संख्या बताओ जिसका यदि एक से गुणा करें, तो जैसे एक से गुणा कर ऐसी संख्या बताओ कि उसका उसी से गुणा करने पर एक प्राप्त हो, उससे ज्यादा नहीं। अब ऐसी तो संख्या एक ही है, तो आप एक लिख दीजिए, एक यहां लिखोगे या नीचे भी कितनी लिखनी पड़ेगा, एक आपको लिखना पड़ेगा, एक का एक से गुणा करो कितना जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखो एक और एक का ये हो गया, चूंकि यहां पर हमने एक लिखा है तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक लिखना पड़ेगा। अब देखो एक और एक को क्या करो, जोड़ो, जैसे यहां पर कितना आ गया, ये दो आ गया। अब एक में से एक घटाने पर जीरो आ जाएगा, तो ऊपर हमें क्या करनी, संख्या जोड़ो के रूप में उतारनी है, जैसे ये जीरो और यहां पर कितना है, 6, कितना 6। अब यहां पर देखो दो के बाद कोई भी इसी संख्या रखो, उसका गुणा करने पर 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहां यदि आप एक भी रख देते हो, एक भी रख देते हो, तो इसका मतलब ये कि एक रखा तो नीचे भी एक रखना पड़ेगा, और एक का गुणा 21 से करोगे तो 21 हो जाएगा, 6 से ज्यादा आ जाएगा, और एक से छोटी संख्या तो कोई हो नहीं सकती है, हमें 6 से छोटी संख्या चाहिए, तो कोई बात नहीं हम क्या करते हैं, यहां पर जीरो रख देते हैं। तो यहां जीरो रखा तो यहां पर भी कितना रखना पड़ेगा, जीरो। अब जीरो का 20 से गुणा करो तो कितना जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो और जीरो रखा था, यहां पर हमने कितना रख दिया, जीरो। अब 6 में से जीरो घटाया कितना रहा, 6 ही रहा। अब ये 20 और जीरो को जोड़ लो, यहां पर इस संख्या को जोड़ते तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब ये 6 है, ऊपर से दो संख्या उतारो, दो संख्या कौन सी उतारोगे आप, जीरो और 9 आपने उतार दी। अब ये 20 है, अब यहां पर कोई भी संख्या 20 के बाद कोई भी संख्या को नीचे वही रखनी पड़ेगी, पर गुणाकरण 609 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बाय द वे आप यहाँ 4 लिख देते हो तो यहाँ 816 हो जाएगा, काम नहीं आएगी। तो यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, 3, नीचे भी कितनी रखेंगे, 3, 3 का 3 से गुणा करो, 9069, क्योंकि यहाँ 3 रखा है तो यहाँ पर भी आपको कितना रखना पड़ेगा, 3, 609 में 609 घटा दीजिए तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये वर्गमूल आ गया आपका 103, अर्थात कि 103 का 103 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 10609 वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है वर्ग संख्या, ये इसका क्या है, वर्गमूल। कई बार क्या होता है कि पॉइंट की संख्या, अब कोई भी किसी से जरूरी नहीं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, कई बार क्या है कि हमें इसे सवाल करते तो इसमें हमें पॉइंट में वर्गमूल भी निकालना पड़ सकता है। वहां पर देखिए किस प्रकार से, आप देखिए जैसे कि एक संख्या में लिख रहा हूं, अब पॉइंट वाले वर्गमूल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए, ये कोई संख्या है, यहां क्या कीजिए आप दो दो के जोड़े बना दीजिए, ये 28 है, कोई संख्या बताओ जिसका उससे गुणा करने पर 28 आए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं, जैसे आपने 6 लिया 36 हो गया, उससे कम, 6 से कम संख्या 5 होती है तो 5 5 लिख दीजिए, ये 5 कितना हो गया, 25 कितना हो गया, चूंकि यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 5, तो 28 में से 25 ज्ञात कितना रहा है, या 3। ऊपर से कितना उतारूं, 48 जोड़ों के रूप में उतरेगा, 48 हमने उतार दिया,
यहाँ वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, पांच और पांच कितना हो गया, दस हो गया। यहाँ कोई भी संख्या रखो, जैसे कि मैं तीन रख देता हूँ या चार रख देता हूँ, तो संख्या 416 हो जाएगा, गुणा करने पर नहीं काम आएगा, तो उससे जस्ट छुट्टी रख दो तीन, या नीचे भी कितना रखना पड़ेगा तीन, तो यहाँ पर तीन आपने रखा है तो ये कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर तीन, इसका गुणा कीजिए 309। अब इसमें से घटाइए, जैसे इसमें से यदि आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 39, कितना आ गया ये 39। अब ये शेषफल बच रहा है, पर हमें क्या है कि जब शेषफल बचे तो हमें पॉइंट में निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो क्या करेंगे आप अपनी तरफ से, जैसे कि दशमलव वाले भाग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के एक जीरो उतारते हैं भाग में, पर यहाँ क्या करेंगे आप दो जीरो, ये पॉइंट लगाए हैं और यहाँ पर दो जीरो उतारेंगे, कितने जीरो उतार दिए आपने, दो जीरो उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए दो जीरो उतारे, तब इसको वापस जोड़ो 103 और 3 कितना होता है 109, और 9 के बाद कोई भी संख्या रखो, पर गुणा करने पर 3900 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो इसे अपन रखेंगे, जिससे 4 रखने पर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 रखा मैंने, इसका निश्चित गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3189। इसका निश्चित क्या किया हमने, गुणा किया तो ये आ जाएगा 3189। इसमें से घटाइए आप, घटाने पर आपको प्राप्त होगा 1171। चूंकि यहाँ 3 लगाया था पॉइंट के बाद कितना लगा दो 3, अब यहाँ पर 711 है, तो पॉइंट के बाद दो संख्या तक आपको मान निकालना हो तो फिर अपनी तरफ से क्या करो, दो जीरो और लगाओ, इसे जोड़ लो, ये आ जाएगा 1, इसे जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो गई 1090। अब यहाँ पर ये आ गया, अब या इसके बाद कोई भी संख्या रखो, जिससे आप 7 रखोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपने कितना रखा 6, या नीचे भी कितना रखना पड़ेगा 6, चूंकि यहाँ 6 लगाए तो यहाँ कितना लगा दो 6, इसका गुणा कर दो 6 आ जाएगा। इसमें भी कुछ शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका बच जाएगा, पर यहाँ आपने पॉइंट के बाद दो संख्या तक मतलब तरह पॉइंट ये एग्जिट कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं तो एग्जिट नहीं आएगा, पर तिरपन पॉइंट 36 ये 2848 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। इसलिए चाहे किसी भी तरीके से हो, आप पूर्ण वर्ग संख्या है वो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, उसमें बहुत बड़ी संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि लंबी पड़ जाती है, तो आप भाग विधि से कर सकते हो, आप वर्गमूल पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। इसलिए आज हमने पढ़ा ये कि वर्ग क्या है, वर्ग संख्या क्या है, वर्गमूल क्या है, और वर्गमूल निकालने की जो दो तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों को हमने पढ़ा। आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बहुत ही बेसिक चीजें गणित की आपको समझ में आ जाएगी। आपने अभी तक भी मेरा यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, ताकि आपके पास जैसे कोई वीडियो इसमें मैं अपलोड करूं तो आपके पास मैसेज आ जाए। आप एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, कोरोना काल खंड है, हताश होने की जरूरत नहीं, स्कूलें आज से तो कल खुलेगी, पर अपना अध्ययन जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।